बड़ा सोच समझ के आपको पता है कि सब चीजों को सामने रखते हुए फिर ये फैसले किए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ रखा है, फेडरल गवर्नमेंट को साथ, हर जगह को सारे सूबे इकट्ठे इस पर बैठे, सो सब ने मिलकर एक फैसला किया। सो आई डोंट थिंक वी शुड क्वेश्चन दैट। पेरेंट्स ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, हर चीज हुकूमत पर नहीं डाल सकते। एक कपड़े का मास्क अगर पेरेंट्स और बच्चे को दे दें, वो रोज धुल के या हर दो दिन के बाद धुल के वो पहना जा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जब भी आप फ्री चीज देंगे ना कोई भी, वो उसी वक्त ज़ाया कर दे जाएंगे, क्योंकि फ्री चीज़ की वैल्यू लोग करते नहीं हैं। सो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो मास्क के बगैर बच्चे को भेजेंगे तो हम स्कूल में बच्चों को नहीं आने देंगे। स्कूल्स का अपना बजट है जिसके साथ सैनिटाइजेशन और बाकी सब चीज़ें होनी है, मगर मैं आपको इतना बता दूँ, मास्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स की है। कोई भी एक्स्ट्रा टाइम उनको नहीं देना पड़ेगा, स्कूल आवर्स वही रहेंगे। मैं बड़ी सिंपल सी आपको चीज़ बताता हूँ ताकि सबको, मुझे पता बड़े क्वेश्चन इस पर मुझे भी आ रहे हैं। 50% स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, वो 20 बच्चे आएंगे मंडे को और जो बाकी 20 बच्चे हैं वो ट्यूसडे को आएंगे। फिर जो मंडे वाले 20 बच्चे हैं वो वेंसडे को आएंगे, जो ट्यूसडे वाले 20 बच्चे हैं वो थर्सडे को आएंगे। इस तरह 6 डे क्लास पीरियड होगा, 6 डेज होंगे। इसके लिए हमने इसलिए डबल शिफ्ट नहीं की क्योंकि देखें, आपको नहीं पता लगेगा कि कब क्लासें खाली हो रही हैं, कब नए बच्चे आ रहे हैं, स्कूल खाली हो गया पहली शिफ्ट से कि नहीं हुआ। कई पेरेंट्स सुबह ही अपने बैंस में बच्चों को भिजवा दें कि जी आप दोनों क्लासें अटेंड करके आना, तो वो फिर भी रश कम नहीं होगा। सो देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स उसके अंदर, जिसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, हमें ऑल्टरनेट डे पे करना चाहिए। सर, हमने सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह ताला मंडे तक ये सब टीचर्स के पास पहुंच जाएगा। हमने साइंस और मैथ और जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने सिलेबस को कंडेंस किया है, और जो प्रायोरिटीज़ बच्चों की इस वक्त होनी चाहिए हमने वो सामने लेकर आए हैं। उन्हीं के हिसाब से हमने असेसमेंट्स बनाई हैं जिसपे एग्जामिनेशन वगैरह सब चीज़ें होंगी। सो इस सारी चीज़ के साथ मैं आपको अवैस प्लीज़ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। इसमें हम सब ने मिलकर अपना पार्ट प्ले करना है, क्योंकि ये पहली दफ़ा एक चीज़ हुई है, पहली दफ़ा सब कुछ करने जा रहे हैं। टीचर्स ने अपना पार्ट प्ले करना है, पेरेंट्स ने अपना पार्ट प्ले करना है, गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले करना है, प्राइवेट स्कूल्स ने अपना पार्ट प्ले करना है। एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन द सेम पेज।